हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का ये जो ब्लॉग है, हम लोग आए हैं रायगढ़ में माझी गुरानी मंदिर को। तो चलिए, अब ये मंदिर बहुत ही फेमस है इस एरिया में और इसका बहुत ही नाम है। तो मैं भी तो चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और माँ का आशीर्वाद भी आप भी हमारे साथ लीजिए। मंदिर का एंट्रेंस और यहाँ से हम लोग कभी अंदर जाने वाले हैं माँ का दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे सारा कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि लॉक रूम, आपका बैग रखने के लिए या तो मोबाइल के लिए या तो स्पेशल दर्शन के लिए। ओबड़े वीडियो वॉशरूम फॉर लेडीज। चल चल चल, हाँ एरा आगुरा आंध्रा थी ना। ये यहाँ पे लाइन में क्यू में आने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। अगर आपका आते वक्त पेट दुखता है तो वहाँ पे भी आप आके बैठ सकते हैं, या तो अधिक ज़्यादा लाइन लंबा हो तो। तो अभी हम लोग जब आए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो हमारे पास एक अच्छा दर्शन के लिए मौका मिल गया। तो हम लोग अभी डायरेक्टली पूरे ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक सुविधा है कि मतलब अगर लोग ज़्यादा भीड़ हो रहे हैं तो ऊपर पूरा फैन लगा हुआ है, तो ताकि वो गर्मी ना लगे लोगों को। हाँ, दाड़ी लेपड़ा स्थल भी होता पूरा सॉफ्ट। ये मंदिर का बाहर वाला गेट है, मंदिर के अंदर का जितना भी है ये सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। और हम लोग अभी आके पहुँच गए हैं एग्जिट गेट पे, और एग्जिट गेट पे भी एक रखा हुआ है दीप जलाने के लिए स्टैंड, और ये है एग्जिट गेट उसका। और अगर आप यहां से कुछ प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद की भी फैसिलिटी है यहां पर, लड्डू और पुलियारा दोनों अवेलेबल है। दो पुलियारा लड्डू, तीन पुलियारा नहीं और भी लड्डू है। हाँ ले दो लड्डू। तो अभी हम लोग यहाँ से मंदिर से प्रसाद के लिए लड्डू ले लिया हूँ, पूरा पांच लड्डू, एक एक लड्डू यहाँ पे 10 रुपये का है। तो आज माँ का दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही छोटा सा ब्लॉग था, तो ये ब्लॉग को आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। फिर मिलते हैं अपने दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।